हाय फ्रेंड्स, मो नाम होती कृतिदीप्त साहू एवं आपण मैंने देखुं कॉम्पिटेटिव ओडिशा यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो में आम देखा कि आमर जो सीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आम डिस्कस करूँ तो ताकू ही आम आगे बढ़ेगा। ठीक अच्छे, तो आम पार्ट टू वीडियो जाए कम्प्लीट करें। तो पार्ट वन वीडियो आम सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन रो चैप्टर जिते भी अच्छे छटा चैप्टर कम्प्लीट करें। सेकेंड पार्ट रे हमें नंबर सिस्टम रो जिते भी क्वेश्चन पड़ी नंबर सिस्टम रो क्वेश्चन को हमें डिस्कस करें। तो नंबर सिस्टम जब आप देखिए तो आप जापरेंगे कि गोटे गोटे शिफ्ट रे केते केते क्वेश्चन आसाला। देखो बैच वन रो बैच टू रो बैच टू रो बैच टू रो तापर एटा बैच वन रो। तो नंबर सिस्टम रो प्राय तो आप देखिए कि गोटे गोटे शिफ्ट रे तीन तीन टा क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम चारटा क्वेश्चन आपंकर पचरा जाता। ठीक अच्छे, ये देखिपार चारटा क्वेश्चन अच्छी। तो तीनटा चारटा आपंकर मिनिमम तीनटा मैक्सिमम चारटा ये टाइप्र क्वेश्चन पचरा जाता। से भाया फंक्शन आपंकर रिलेशन फंक्शन रू दुईटा क्वेश्चन सेट रू गोटे दुईटा क्वेश्चन। तो यही टाइप्र क्वेश्चन जब आप देखिए तो यही तीनटा टॉपिक रू ही आपंकर सात आठ मार्क क्वेश्चन पड़ी। तापर बाकी रहा आपंकर कैलकुलस कैलकुलस रे जब आम कह कैलकुलस रे आप लिमिट कंटिन्यूटी आउ डेरिवेटिव और से डेरिवेटिव आपंकर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आसे जो थे कि मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब ऊपर क्वेश्चन जो पचारे से डेरिवेटिव रही पार्टा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ताको भी आम कैलकुलस भितर ही काउंट करवा। तो कैलकुलस रो जब मुझे देखेबी एटा तो 2021 20 मार्क आपंकर पढ़ूला मैथ्रे। तो से आपंकर दुईटा क्वेश्चन पढ़ूला कैलकुलस रु। ठीक अच्छे, किंतु एबेकार जब आम देखा तो एबेकार देखो ये 2022 बैच वन रे। तो गोटे क्वेश्चन दुईटा क्वेश्चन तीनटा क्वेश्चन तो तीनटा क्वेश्चन से भाया बैच टू रे जब आप देखिए गोटे दुईटा तीनटा चारटा। तो तीनटा चारटा लेखाएं एमती क्वेश्चन आपंकर पड़ी कैलकुलस रु। तो ये आपंकर तीन चारटा टॉपिक अच्छी। तो से लिमिट रु गोटे पढ़ू डेरिवेटिव रु गोटे पढ़ू तापर आपंकर जो रहा कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी रु भी पढ़ू गोटे गोटे। ठीक अच्छे, किंतु कंटिन्यूटी रु कम पड़ी जहाँ भी पड़ी मैक्सिमम आपंकर मैक्सिमा मिनिमा रु पड़ी जोटा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रो पार्ट आउ लिमिट रु पचार कंटिन्यूटी रु आपंकर रेयर केस रे गोटे दुईटा पचार अदरवाइज पचारि ही ना। ठीक अच्छे, जब आम कह कि लिमिट आउ डेरिवेटिव रु ही क्वेश्चन पचार तो ये जिनसा से आपरेंगे जितेबाला कि प्रीवियस ईयर पेपर को आपने सल्व करेंगे आईटा भी टॉपिक वाइज। ठीक अच्छे, टॉपिक वाइज कले आपने जापरेंगे कि कौ कौ टॉपिक रू के क्वेश्चन आसे। तो प्रीवियस ईयर करके एग्जाम को जीवा आगु आउ वीडियो गुड़ाक आपने कंटिन्यूअसली देखु पूरा सीरीज ताको देखु जितेबाला मुझे आपको पूरा 200टा क्वेश्चन कम्प्लीट करदेवि 6टा शिफ्टर। तो आपने देखिए कि आपर सब टॉपिक रहा ओवरअली आपंकर मेन मेन पॉइंट गुड़ाक कवर हो जाइए। मैंने जदि आपने पेपर देवाई जी तो भी आपंकर मेन मेन पॉइंट गुड़ाक कवर थे तो भी आपने देखो 50% क्वेश्चन तो आपड़ एमती ही करके पलि आसपारे। ठीक अच्छे, तो प्रीवियस ईयर करवाटा बहुत इंपोर्टेंट। आज जदि आपको वीडियो पसंद आसो तो वीडियो को लाइक तो करेंगे ही ता सहित कमेंट रहे ना आपने जमी प्रीवियस वीडियो भी लिखी थे फर्स्ट वीडियो भी लिखी थे। तो आपने जहाँ भी जमी भी आपको वीडियो लगुच भल लगुच खराब लगुच ठीक अच्छे किसी इम्प्रुवमेंट दरकार या फिर आपको जहाँ भी फिल होने से ही जिनसा लिखु या फिर यही सीरीजटा कंटिन्यू हवा दरकार कि न हवा दरकार लिखु एटलिस्ट मत जना पड़ कि आपूँ आपको पढ़ा देखिक मत भी पढ़ाई इच्छा हे। ठीक अच्छे, तो चलो स्टार्ट करवा। तो 42 नंबर क्वेश्चन टा देखो तो कौन कहला कि डेरिवेटिव क्वेश्चन टा इफ एक्स इक्वल्स टू 3 cos t - 2 cos3 t एंड वाई इक्वल्स टू आमको दिखाई 3 sin t - 2 sin3 t। तो आमको पचारा कि डीवाई बाय डीएक्स आपने समस्त डेरिवेटिव करेंगे वाई इक्वल्स टू आपको 2x + 3 ये टाइप क्वेश्चन दिखाते आपने सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दिंतु। किंतु एटी आपको कौन दिखाई देखो एटी आपको एक्सटा टी वेरिएबल फॉर्मेटर दिखाई एंड वाईटा भी आपको टी फॉर्मेट्रे दिखाई तमें ये टाइप फंक्शन को कौन कहुए ये टाइप फंक्शन को कहुए इम्प्लीसीट फंक्शन जितेबाला भी गोटे वेरिएबल या फिर दुईटा वेरिएबल को आउ गोटे थर्ड वेरिएबल फॉर्मेट्रे लिखा जाए कहा जाए इम्प्लीसीट फंक्शन। तो इम्प्लीसीट फंक्शन डिफरेंशिएशन करने आमको चेन रूल को यूज करने पड़ो। तो ये आमको पचार डीवाई बाय डीएक्स तो से आमको कौन करने पड़ो प्रथम डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टी करने पड़ो। तापर सेकेंड हूँ कि एक्स रो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी करने पड़ो आउ दुईटा को जब डिवाइड करदे तो आम पाइबा यू डीवाई बाय डीएक्स केमती डीवाई बाय डीएक्स आसो देखो मुझे देखा आपको यू जब लिखा डीवाई बाय डी टी एंड यहाँ कौन हो आप रेसिप्रोकल होने जानते डिवाइड जब फ्राक्शन थे सही ऊपर को जाकि
रेसिप्रोकल हेज वो तो एटा हमको मिलबो डीटी डिवाइडेड बाय डीएक्स तो एटू बेसिकली डीटी डीटी कटि जबो तो हमको देखिया पे मिलबो कोन देखंतो डीवाय बाय डीएक्स देखिया पे मिलबो तो सेम जनसडा एठी हमको करिवर अछि फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीवाय बाय डीटी बाहर करिवर अछि सेकंड बाहर करिवर अछि डीएक्स बाय डीटी तापर हमको एटा को सॉल्व करे अछि तो फर्स्ट एक्स दिया आइछि तो एठो हमें बाहर कर परबा डीएक्स बाय डीटी तो डीएक्स बाय डीटी जदि हमें सॉल्व करबा केते आछि वो देखंतो यारो डिफरेंशिएशन करंतु 3 टा तो कांस्टेंट रहइबो कॉस टी रो डेरिवेटिव केते हबो कॉस टी रो डेरिवेटिव आपण कहबे कि सर माइनस साइन टी हबो तो माइनस 3 साइन टी हे गला माइनस 2 कॉस क्यूब टी रो जदि हमें डिफरेंशिएशन करबा तो एटा हे जइबो 6 कॉस स्क्वायर टी एंड कॉस टी रो डेरिवेटिव आसीबो माइनस साइन टी तो माइनस माइनस प्लस हे जइबो दैट इज 6 कॉस स्क्वायर टी इनटू साइन टी तापर देखंतु नेक्स्ट हमें डिफरेंशिएशन करबा डी वाई रो विथ रिस्पेक्ट टू टी तो एटा हिजो डी वाई बाय डी टी तो डी वाई बाय डी टी केते आसीबो एटा हिजो आपनकर 3 कॉस टी माइनस 6 साइन स्क्वायर टी ठीक अछि इनटू कॉस टी तो एटा हे गेल आपनकर डीएक्स बाय डीटी एंड डी वाई बाय डीटी तापर एटा को आपन माने डिवाइड कर दियंतु डिवाइड केमती करबे देखंतु एथरो जदि आपण माने 3 cos कॉमन नै जेबे 3 cos t एटा आसीबा आपणकर 1 minus 2 sin square t एंड एथरो जदि आपण माने minus 3 सॉरी minus कहूची 3 sin t खाली कॉमन नै जानतु 3 sin t जदि कॉमन नै जेबे तो एटा हेबा आपणकर minus 1 plus 2 cos square t तो एटा देखंतु एटा होची आपणकर cos 2t आ एटा भी होची cos 2t जदि आपण मानको cos 2x रो फार्मूला या फिर cos 2 थीटा रो फार्मूला जणा नाही तो फिर ए क्वेश्चन डा डिफिकल्ट हे जेबो ठीक अछि तो cos 2 थीटा रो फार्मूला जणा थिबा दरकार cos 2 थीटा रो फार्मूला कोन देखंतु म एठी लिखि दउची जदि आपणको जणा नाही तो आपण माने लिखि पारिबे cos 2 थीटा सेटा होची आपणकर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा तापरे sin टाको जदि आमे cos फॉर्मेट रे लिखिबा तो एटा बनि जेबा आपनकर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जदि आमे कोन करबा cos टाकु sin फॉर्मेट रे लिखिबा तो एटा हे जेबो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा तो एई सबु होची cos 2 थीटा रो ही फार्मूला आउ गोटे आसे सेटा 10 फॉर्मेट रे आसे ठीक अछि तो बस खाली एतिक जानि रखंतो एतिक रे क्वेश्चन आपनकर हे जेबो तो एबे आमे कोन करबा डिवाइड करबा dy / dt सेटा होची 3 cos t इनटू एटा हे जेबो cos 2t आ एटा को जदि सॉल्व करबा एटा हे जेबो आपनकर 3 sin t आउ एटा हिजबो cos 2t तो देखंतो 3 3 तो एंती ही कटिगला cos 2t cos 2t कटिगला बाकी रहिला cos t / sin t तो cos t / sin t केते हबो cos t / sin t कहबे कि cot t हबो तो cot t कोठी अछि ऑप्शन सी रे तो ऑप्शन सी हिजबो आपनकर क्वेश्चन नंबर 42 रो राइट आंसर तो एटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टा थिला ठीक अछि इम्प्लिसिट फंक्शन रो डिफरेंशिएशन पचार थिला तो ये सब क्वेश्चन को अपन मैंने डेरिवेटिव रो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या फिर बहुत ही भलो क्वेश्चन बोले कि आपन मैंने भाभी पारे ठीक अच्छे तापर आसन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन टा भी देखो से आपन मन को इम्प्लिसिट फंक्शन रो ही क्वेश्चन दिया है और यहाँ भी आपन 2021 रो बेच वन ही पचरा जाइला तो ये देखो क्वेश्चन कौन अच्छी एक्स आमको दिखाई टी रेस्पेक्ट रे एंड वाई टा भी दिखाई टी रेस्पेक्ट रे आमको पचारे डेरिवेटिव एट टी इक्वल्स टू पाई बाय 4 तो t इक्वल्स टू पाई बाय 4 रे डिफरेंशिएशन केते आछो बाहर करबा तो सेति पई प्रथमे तो हमकु डेरिवेटिव काढिया पई पडबो तो प्रथमे काढंतु dx / dt तो dx / dt केते आछो a टा कांस्टेंट अछि कांस्टेंट को बाहर रे रखंतु नेक्स्ट होथि आपनकर sin स्क्वायर t sin स्क्वायर t रो डेरिवेटिव हे जइबो 2 sin t into cos t माइनस cos t रो डेरिवेटिव होछि माइनस sin t तो माइनस माइनस केते हे जइबो कोहंतु प्लस sin t हे जइबो याकु जदि ठीक आमे भल से लिखि देबा तो एटा हे जइबो a एटा हे जइबो sin 2t प्लस sin t एटा हला dx / dt तापर नेक्स्ट कोन अछि देखंतु नेक्स्ट होछि आपनकर dy / dt तो dy / dt केते हे जइबो a टा कांस्टेंट बाहर रखंतु cos square t रो डेरिवेटिव हे जइबो 2 into cos t एंड cos t रो डेरिवेटिव आसीबो सेटा आइबो माइनस sin t तो एटा गेला sin t एंड sin t रो डेरिवेटिव केते आसीबो सेटा आइबो cos t याकु जदि आमे सॉल्व करबा एटा आइबो a एटा आइबो आपनकर माइनस sin 2t प्लस cos t एति के हला एबे देखंतो हमकु से पचारिथि कि डेरिवेटिव एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4 तो dy / dx जदि हमकु बाहर करबार अछि तो dy / dx केते हबो देखंतो सेटा होची dy / dt डिवाइडेड बाय dx / dt तो ये डेटा को डिवाइड करबार छै ये डेटा को डिवाइड करले एटा आसीबो हमर sin 2t plus cos t होल डिवाइडेड बाय ए डेस हमर sin 2t plus sin t एटा बनि गला dy / dx तो एबे देखंतु t जगह रे पाई बाय 4 रखि दंतु जदि पाई बाय 4 रखि देबे एटा हिजबो पाई बाय 2 आ एटा भी हिजबो पाई बाय 2 तो sin पाई बाय 2 हला -1 cos पाई बाय 2 हिजबो आपनकर 1/√2
ଏଇଟା ଆସିବ 1 + 1/√2। ୟାକୁ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବେ ତ ଏଇଟା ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ √2 - 1, √2 - √2 + 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ √2 + 1। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଲେଖିବେ ଯଦି 1 - √2 / 1 + √2। ତ 1 - √2 / 1 + √2 କେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ନା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଡେରିଭେଟିଭ୍ରୁ। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିପାରିବେନି, ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ର ଏସବୁ ହେଉଛି ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲକୁଲେସନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ନଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 44 ନମ୍ବର। 44 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ। ଯଦି ଏଇଟା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ କେତେ ହେବ। ତ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଏକ୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ, ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ ଆସିବ, ଏଣ୍ଡ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଆସିବ, ଚେନ୍ ରୁଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ଯଦି ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ 1 + dy/dx। ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଯଦି କରିଦେବେ ତ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ପାଇବେ ଆପଣ ମାନେ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ବାଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଟର୍ମଟା ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିବା, ତ ଆମେ ପାଇବା ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1, ଏଇଠି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ, ସରି ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିବା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ, ଏଇଟା ହେବ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ, ଏଠି ଆସିବ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ। ତ ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ କେତେ ହେବ, ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ। ତ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଏଠି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ ତ ଆପଣ ପାଇବେ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ। ତ ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ କଟିଗଲା, ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ ଇ ପାୱାର୍ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ଇ ପାୱାର୍ ୱାଇ ବାଇ ସରି ୱାଇ ବାଇ ଏକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦିଆହେଇଛି ନା, ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଇଫ୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ହୋଲ୍ ପାୱାର୍ 5। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ତ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନା ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍। ତ ଲଗ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବିର ପ୍ରପର୍ଟି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଲଗ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି। ତ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟିଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ, ଲଗ୍ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ ଲଗ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆମେ ଏପଟେ ଲଗ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ହୋଲ୍ ପାୱାର୍ 5। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାୱାର୍ ଅଛି ନା, ପାୱାର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3 log x, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2 log y, ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 5 log x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିଦେବା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3 upon x, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2 upon y dy/dx, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 5 / x + y 1 + dy/dx ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ପାଇବା, ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସଟା ପାଇଯିବା। ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିବା, ତ ଏଇଟା ପାଇଯିବା 2 upon y ମାଇନସ୍ 5 upon x + y dy/dx ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 5 upon x + y ମାଇନସ୍ 3 upon x। ତ ୟାକୁ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରାଯିବ ତ ଆମେ ପାଇବା ଏଇଠୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିୱାଇ ବାଇ ଡିଏକ୍ସ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 5x - 3x - 3y upon x + y (x) ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିବେ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, ଏଇଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 2x + 2y - 5y। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଟିଗଲା, ଏଠି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 2x - 3y, ଏଠି ବି ରହିବ 2x - 3y। ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ବି କଟିଯିବ।
तो बाकी आंसर कितने आसो तो वाई बाय एक्स, तो वाई बाय एक्स हूँ आमर डी वाई बाय डी एक्स ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी रही तो ऑप्शन सी ही जो करेक्ट आंसर। आई होप कि समस्त को 45 नंबर टा बुझी आसो। तापर नेक्स्ट देखो तो आपंकर 21 कंप्लीट होगा, एवं आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को आपंकर 22। तो 22 रे देखी पार्टी आप 6 मार्च बैच 1 रो क्वेश्चन टा कौन रही है आपण फाइंड द लिमिट एक्स टेन्स टू टू एक्स पावर एन माइनस टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 80 दिखाई। तो एन रो वैल्यूटा पचार ठीक अच्छे एन रो वैल्यूटा पचारि एन टा गोटे पॉजिटिव इंटीजर हुए तो कौन हम। तो ये जब आप देखिए दिखाई कौन देखो डेरी लिमिट लिमिट एक्स टेन्स टू टू एक्स रो पावर एन माइनस टू रो पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। जदि आम एक्स जगह टू रखीदा तो यहाँ 0/0 फर्म में आसो, और 0/0 फर्म में आसे आम ये कौन एप्लाई कर पार एल हॉस्पिटल रूल को एप्लाई कर पार या फिर आप गोटे जिन जानते डायरेक्ट फर्मूला होटा हूँ आपंकर एन इंटू ए रो पावर एन माइनस वन। तो से फर्मूला को भी यूज कर पारे तो मुझे एल हॉस्पिटल आपँक देखे दूसरी। तो एल हॉस्पिटल आम कमी करवा जब ऊपर जो आम डेरिवेटिव एप्लाई करवा तो यहाँ आप एन इंटु एक्स रो पावर एन माइनस वन यहाँ तो जेहतु कन्स्टेंट अच्छे जीरो हो आठ जब आम देखा एक्स रो डेरिवेटिव वन आसो टू रो डेरिवेटिव जीरो हो तो यहाँ पाई कौन देखो एन इंटु एक्स रो पावर एन माइनस वन। तो ये करेंगे कौन देखो एक्स जगह टू रखीदे तो यहाँ हो एन इंटु टू रो पावर एन माइनस वन आउ दिस भैल्यू इक्वल्स टू दिखाई 80। तो 80 टाक ना एवं आपको ब्रेक करवाई पड़ो। तो 80 टाक जब ब्रेक करेंगे तो आपने ब्रेक केमती करेंगे देखो 80 टाक आप ब्रेक करेंगे 16 × 5 = 80। तो सहीटा होकर कौन देखो 5 × 2 पावर 4 आउ यू देखिपर आपने 5 × 2 पावर 5 माइनस वन। तो एन रो वैल्यूटा के कहतु एन रो वैल्यूटा 5 आसला कि नहीं 5 आसला ना। तो एन इक्वल्स टू के 5 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर रही लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय 2 वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स। तो ये जब आम कौन करवा देखो एक्स जगह जब पाई बाय 2 रखीदे तो वन माइनस वन डिवाइडेड बाई 0। तो यहाँ बेसिकली 0/0 फर्माट्रे आसा आउ 0/0 फर्माट्रे आसा मैंने सीधा सीधा गोटे कम करेंगे आपने एल हस्पिटाल रूल को एप्लाई करदे। तो एल हस्पिटाल रूल को एप्लाई करदे यहाँ कौन हो देखो लिमिट एक्स टेन्स टू पाई बाय 2 वन रो डेरिवेटिव हूँ 0 साइन रो डेरिवेटिव हूँ कोस एक्स। तो माइनस कोस एक्स और कोस रो डेरिवेटिव हूँ माइनस साइन एक्स। तो ये आमको देखो माइनस माइनस कटिगला एवं जदि आम एक्स जगह पाई बाय 2 रखीद यहाँ हो 0 आईटा हो आपर वन। तो 0 बाय समथिंग कौन होता है सहीटा हूँ आपंकर 0। तो 0 हम यार राइट आंसर ऑप्शन ए ठीक अच्छे। फर्स्ट केस रे कौन थी नॉट डिफाइंड थी 0/0 ना नॉट डिफाइंड एवं कौन आसा 0/something आसला। तो 0/somethingटा कौन होता है सहीटा 0 होता है। तो राइट आंसरटा हम तेल ऑप्शन ए 0। तापर नेक्स्ट देखो 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन टा जब आपने देखिए तो ये देखो कौन दिखाई लिमिट एक्स टेन्स टू 0 8 प्लस एक्स रो पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स यहाँ दिखाई। तो ये जब एक्स जगह 0 रखीद तो यहाँ हो 2 रो पावर 1/3 सरी 8 रो पावर 1/3 तमें 2 आसो। तो 2 − 2 हो 0 आउ डिनोमिनेटर भी 0 0/0 फॉर्म। तो आपने देखिपी कि जो आपंकर 6 तारीख रो बैच 1 रे पचार तो 0/0 पर कितने क्वेश्चन पचार जाएगी तीन टा जाक क्वेश्चन आम वर्तमान पर्यटन 0/0 फॉर्म रो ही पाई सारे ठीक अच्छे। तो से तो एल हॉस्पिटल टा कितने इंपोर्टेंट आपने बुझीपे ठीक अच्छे लिमिट रो क्वेश्चन रो आउ डेरिवेटिव रे आपंकर इम्प्लीसीट डेरिवेटिव टा कितने इंपोर्टेंट से भी बुझीपे आपने ठीक। तो यादि आम सल्व करवा तो कौन आसो लिमिट एक्स टेन्स टू 0 यहाँ हो 8 + x^3 माइनस 2/x 0/0 फॉर्म जेहेतु अच्छे तो आम कौन करवा डेरिवेटिव करवा बोथ साइड रे ऊपर तले। तो यहाँ हो लिमिट एक्स टेन्स टू 0 यहाँ आसो आपंकर 1/3 8 + x^3 −1 दैट इक्वल्स टू हो −2/3 ठीक अच्छे। एंड 2 रो डेरिवेटिव तो 0 आसो एक्स रो डेरिवेटिव 1 आसो बर्तमान एक्स जगह आप 0 जब रखीदे तो यहाँ हो 1/3 एंड एट आपने पाइबे कौन देखो 8 + 0 रो पावर −2/3 ठीक अच्छे। −2/3 टाक जब आपने सल्व करेंगे तो ये 2 ही आसो तो आम पाइबा कौन तेल देखो 1/3 आउ ये आपंकर कौन देखो 2 रो पावर −2 2 रो पावर −2 मानटा कौन से 1/2² ठीक अच्छे। तो यहाँ आम पाइबा आंसर तेल 1/3 × 1/4 दैट इक्वल्स टू 1/12।
तो 1/12 होची यार आंसर टा लिमिट लिमिट वैल्यू टा केते आसबो 1/12 जोटा के हमको दिया छै ऑप्शन डी रे। तो ऑप्शन डी टा हवा यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन टा जो अछि सेट आपन अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन टा बस सिंपल आपन एक्स अगर है ना 2 रखि देबे काहे कि ना एटा 0 होबार चांस ही नहीं। ठीक अछि कोठे भी माइनस नहीं तो 0 होबार चांस ही नहीं। तुम्हें 2 जदि रखि देबे तो यार वैल्यू टा केते पाइबा देखंतु 2 * 2 स्क्वायर दैट इज 4 तो एटा आइबो 8। 3 इंटू 2 हिज वॉज 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 2 हो गला 4। या को सॉल्व कर दियंतु 8 + 7 हो गला 15 15/4 तो 15/4 होची यार लिमिट वैल्यू दैट इज ऑप्शन बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन टा पचार जाइतला। तापर नेक्स्ट देखंतु आपनकर बैच 2 तो एटा बैच 2 रो क्वेश्चन टा। ठीक अछि बैच 1 रे आपनकर एल हॉस्पिटल उपर 3टा क्वेश्चन पचार जाइतला। तापर बैच 2 रे गोटे क्वेश्चन तो आपन मानकर डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग टा। तापर नेक्स्ट देखो 50 नंबर आपंकर फिर से बेच 2 रो क्वेश्चन टा दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4/2 रूट एक्स। अब आमको एफ डेस एक्स रो वैल्यू टा पचारि छि एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो प्रथम आमको कौन करिया पय पड़िबो डेरिवेटिव कैलकुलेट करिया पय पड़िबो। तापर आमे कौन करबा एक्स जगह रे 1 रखि देबा। तो एफ ऑफ एक्स केते दिया है देखंतु सेटा होची एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो एटा यू बाई भी फॉर्मेट रे थी यू बाई भी फॉर्मेट रे थी आपण माने जानि छथि केमते डेरिवेटिव करा जाय। तो एफ डेस एक्स आपण माने करि परिबे कोन हेजबो डिनोमिनेटर रो स्क्वायर हेजबो तो एटा हेजबो 4 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रो स्क्वायर हेजबो एक्स। तापर आमे पाइबा 2 रूट एक्स एंड यारो डेरिवेटिव आसबो 1 माइनस एटा हबो एक्स माइनस 4 एंड 2 रूट एक्स रो डेरिवेटिव केते हेजबो सेटा 2 टा तो 2 ही रहबो रूट एक्स रो डेरिवेटिव केते हबो रूट एक्स रो डेरिवेटिव हबो 1/2 रूट एक्स। तो 2 2 कटि गला। ठीक अछि तो बर्तमान देखो या जब आम सल्व करवा के आसो 2 रूट एक्स माइनस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 तापर कौन आस रूट एक्स आस डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई 4x हो जब सल्व करवा तो यहाँ आसो 2x माइनस एक्स प्लस 4 आस डिवाइडेड बाई कौन आसो देखो 4x रूट एक्स। तो सल्व करूँ एक्स प्लस 4 आसो यहाँ आज आप 4x रूट एक्स हो एक्स जगह जब 1 रखा तो यहाँ आज 5 और यहाँ आज 4 तो 5/4 हो रहा राइट आंसर दैट इज ऑप्शन ए। तापर आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन कौन दी द डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन एक्स स्क्वायर यार डेरिवेटिव टा केते हबो। तो यार डेरिवेटिव जदि आमे करबा देखंतु वाई रो वैल्यू टा होची आपनकर कॉस साइन एक्स स्क्वायर तो यार डिफरेंशिएशन जदि आमे करबा डी वाई बाय डी एक्स तो कॉस एक्स रो डेरिवेटिव केते कॉस एक्स रो डेरिवेटिव आपन कहबे कि सर सेटा होची माइनस साइन एक्स तो एटा को लिखिबे माइनस ऑफ साइन एटा हबो साइन एक्स स्क्वायर। तापर ये जो साइन एक्स अच्छे ना साइन एक्स रो फर्दर डेरिवेटिव हे तो साइन एक्स रो डेरिवेटिव आप जानते समस्त कॉस एक्स स्क्वायर हे। तापर ये जो कॉस एक्स स्क्वायर टा अच्छी एक्स स्क्वायर रो डेरिवेटिव फर्दर हे 2x। ठीक अच्छे बस तापर ये डेरिवेटिव टा स्टॉप हो तापर आमको कौन कही एट एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो जो जो जगह आपणकर एक्स अच्छी से जगह आम कौन करवा स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 रखिदबा तो यहाँ हो आपर माइनस ऑफ साइन यहाँ हम आपर साइन 5/2। ठीक अच्छे बिकॉज एक्स जगह जब आम स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 रखा तो स्क्वायर हो गले 5/2 हो तो यार वैल्यूटा आसो 1 आईटा आमको कैसे देखा मिले देखो कॉस 5/2 यहाँ हो आपर सिंपल 0 यहाँ हो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो 0 इंटू समथिंग कौन होता है सर 0 होता है तो ऑप्शन एट हो यार करेक्ट आंसर बस। तो डायरेक्टली आप आंसर लिखि पारे 0। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52 नंबर। 52 नंबर टा भी आपर बेच 2 रे क्वेश्चन टा आसला एटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रो क्वेश्चन टा मिनिमम आउ मैक्सिमम वैल्यू उपर क्वेश्चन टा पचार छि देखंतु कोन कहि छि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होची 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 क्वाड्रेटिक फंक्शन टा क्वाड्रेटिक फंक्शन रो मिनिमम मैक्सिमम पे आपन को टेंशन नबार दरकार नाही सेटा होची आपन को माइनस डी बाय 4a डी टा कोन डी टा होची आपन को डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac एटा को बाहर करके आपन माने लिखि देबे ना तो सेटा ही मिनिमम वैल्यू सेटा ही मैक्सिमम वैल्यू जदि मिनिमम पचार थबो तो मिनिमम जदि मैक्सिमम पचार थबो तो मैक्सिमम आउ जदि आपण मानको मिनिमम मैक्सिमम बोथ दे तो आपण जानिबे केमती के सेटा मिनिमम बाहर के मैक्सिमम बाहर आपण देखिबे कि लीडिंग कोफिशिएंट कोन अछि कहिबे कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होची 2 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 टा कोन अछि ग्रेटर अछि ग्रेटर जतेबेले हुए सेतेबेले मिनिमम वैल्यू आसे काही के आसे कोन पय आसे सेटा जदि क्वाड्रेटिक आपण माने पढिथिबे तो जानिथिबे। ठीक अछि
ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କୋଫିସିଏଣ୍ଟକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇଯିବା, ସପୋଜ୍ -2 ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆସିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଅଛି ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ମିନିମମ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି, ତ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ବାହାରିବ ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟା ଫେର୍ ମିନିମମ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଲିଡିଂ କୋଫିସିଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ। ଲିଡିଂ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ସାର୍ ଗ୍ରେଟର ଅଛି ତ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ବାହାରିବ। ତ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା, ତ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ବି ସ୍କୋୟାର ସରି ଡି -D/4a। ତ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁଟା ପାଇଯିବେ -D/4a। ତ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଡିର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ B² - 4ac। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 1 - 4 × 2 × -3, ତା'ମାନେ ଏଇଟା +3 ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ମିଳିବ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 × 8 = 24 × 25, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 25। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା -25/4a। ତ 4 × 2 କେତେ ହେଇଯିବ 8। ତ -25/8 ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ରେ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଡେରିଭେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି। ଡେରିଭେଟିଭ୍ରୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଓଡ୍ ବି ଲାଗିଥାଇପାରେ କି ଭୁଲ ଆସିଛି କି ଠିକ୍ ଆସିଛି, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସାର୍? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି ୟା ଫେର୍ ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଫେର୍ ବି କନଫର୍ମ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି f(x), ସେଇଟା ହେଉଛି 2x² + x - 3। ୟାର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କରିବେ ଥରେ, ତ ୟାର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ, 4x + 1 ଆସିବ। ଏଇଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 କରିବେ ତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ କ'ଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ୟା ଫେର୍ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ତ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ, -1/4। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପାଇଲେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ। କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିକଜ୍ ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଫଙ୍କସନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଟା 0 ମିଳିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଛି, ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ରଖିଦେବା, ତ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ରଖିଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, f(-1/4). ତ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମିଳିଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ରଖିବି ତ 2 × -1/4 ହେଇଯିବ 1/16, ଆଣ୍ଡ -1/4 ଆସିବ, -3 ଆସିବ, ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ ତ 8 ଆସିବ। ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର 8, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1, ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 2, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେବ -24। ତ ଆମକୁ ମିଳିଲା -26/1, ତ -25/8। ତ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ -25/8 ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଙ୍କସନ୍ର ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର x = -1/4, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝି ଆସିଥିବ। ତ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରୁ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ତ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସେମିତି ନାହିଁ କି ଡେରିଭେଟିଭ୍ରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ତ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ୍ sin a + cos a। ୟାକୁ ବି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ସଲ୍ଭ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଡେରିଭେଟିଭ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିବାର ମେଥଡ଼ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ a sin θେଟା + b cos θେଟା, ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ତ ୟାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର √a² + b², ଆଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର -√a² + b². ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନିମମ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ 1 ଅଛି, କୋଫିସିଏଣ୍ଟ 1 ଅଛି, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 1√2 √√2। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ √2। ମିନିମମ୍ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମିନିମମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା -1/√2। ତ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 54 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଅଫ୍ sec(x - 1)/sec(x + 1)। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ sec²(x - 1)। ଠିକ୍ ଅଛି, a + b × a - b ର ଫର୍ମୁଲା ଲଗେଇଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ sec²(x - 1)। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କି ଆପଣଙ୍କର sec²(x - 1) କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେସିକାଲି tan²(x)। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ tan²(x)। ତ tan²(x)ର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ପଚାରିଛି, ତ d/dx(tan²(x), ତ tan²(x)ର ଡେରିଭେଟିଭ୍ କେତେ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ 2 tan x, ଆଣ୍ଡ tan x ର ଡେରିଭେଟିଭ୍ ହେଉଛି sec²(x)। ତ sec²(x), ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର sec²(x) ନୁହଁ, sec²(x)ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପାୱାରରେ ଲେଖିବେ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 55 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ମାର୍ଚ୍ଚର batch 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି କି y = sin x + 9,
अपॉन कॉस एक्स दिया है छि एंड हमको डीवाई बाय डीएक्स रो वैल्यू टा पचारी छि ठीक अछि। डीवाई बाय डीएक्स रो वैल्यू टा पचारी छि तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोन करबा यार डेरिवेटिव काढ़ा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाय डीएक्स कैलकुलेट करूँ तो डी वाई बाय डीएक्स के आसो से आपरि कि यहाँ जब आम कौन करवा कॉस स्क्वायर एक्स करदे ठीक अच्छे। यू बाय वी फॉर्मेट रे जब सॉल्व करवा कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस एक्स ऊपर को जीवो एंड साइन एक्स रो डेरिवेटिव हो आपंकर कॉस एक्स प्लस नाइन। नेक्स्ट आसो आपंकर माइनस एटी रहा आपंकर साइन एक्स प्लस नाइन एंड कॉस एक्स रो डेरिवेटिव होता हम माइनस ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल्स टू आम कहीपर कि माइनस साइन एक्स ठीक। तो माइनस माइनस प्लस होटा होगा डिफरेंशिएशन। तापर से आमको कही कि एक्स रैल्यूटा को जीरो रखि दिंतु तो आमको ना आउ सल्व कर किसी दरकार नहीं सीधा सीधा जीरो रखि दिंतु। जीरो रखीदे कौन मिले देखो जीरो रखीदे जब ए जगह तो यहाँ वन आसो एटी जब जीरो रखीदे तो यहाँ होमर कॉस नाइन हो ठीक अच्छे। एटी जीरो रखा तो यहाँ साइन नाइन हम एटी जीरो रखा तो यहाँ जीरो होटा कौन हो वन हो तो आमको कौन देखा मिले कॉस नाइन अपॉन वन। तो कॉस नाइन अपॉन वन वैल्यू कैसे आसो तो कॉस नाइन ऑप्शन सी रे अच्छी तो ऑप्शन सी हो यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ग्रेटेस्ट इंटेजर क्वेश्चन टा कि लिमिट सहित देती तो यहाँ को जब आम सल्व करवा कौन आस लिमिट एक्स टेन्स टू जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटेजर एक्स। तो या सल्व करेंगे तो यहाँ कौन दिखाई देखो जीरो राइट हैंड साइड वैल्यू गुड़ाक तो जीरो राइट हैंड साइड वैल्यू गुड़ाक जब आपने तो जीरो प्लस एच करेंगे तो यहाँ को आपने लिखी पारे लिमिट एच टेन्स टू जीरो एक्स जगह लिखी पारे जीरो प्लस एच। तो जीरो प्लस एच रैल्यू कौन हम जीरो प्लस एच एचटा हो गए स्मल इंटी स्मल वैल्यूज ठीक अच्छे। जीरो रु ग्रेटर आम गोटे स्मल वैल्यूज नौ जमीक जीरो पॉइंट जीरो वन तो जीरो सहित तो किसी भी वैल्यूज को आम जब एड करदे तो यार ग्रेटेस्ट इंटेजर बाहर करवा तो ग्रेटेस्ट इंटेजर सब कौन होता है जीरो होता है तो यहाँ कौन होता है जीरो तो जीरो हम यार राइट आंसर दैट इज ऑप्शन ए सिंपल क्वेश्चन टा। तापर आसतु नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब देन आमको पचारे कि एक्स एफ डैश एक्स माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स वैल्यूटा के तो यहाँ भी बहुत सिंपल क्वेश्चन टा। एफ ऑफ एक्स दिखाई आमको देखो ए एक्स क्यूब दिखाई आमको बाहर एफ डैश एक्स आपर थ्री ए एक्स स्क्वायर हो से वैल्यूटा को लेकिन ये रखि दिंतु तो आम आंसर के देखो एक्स एफ डैश एक्स पचार माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स या सल्व करवा तो एक्स इंटु एफ डैश एक्स हो थ्री ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटु थ्री ए एक्स स्क्वायर तो या सल्व करेंगे जब के पाइबे देखो यहाँ आपंकर थ्री ए एक्स क्यूब एंड यहाँ एक्स क्यूब अच्छी तो यहाँ आसो आपंकर माइनस नाइन ए एक्स क्यूब ठीक अच्छे। तो यार वैल्यूटा आमको मिलेगा माइनस सिक्स ए एक्स क्यूब। तो ये देखो मुझे मिस्टेक कर देसी कि एफ ओफ एक्स जगह ना मुझे थ्री ए एक्स स्क्वायर लिखी देती तो से भूलीगला तो ये कौन हम देखो थ्री इंटु खाली ए एक्स क्यूब अच्छे तो यहाँ भी देखो आपंकर थ्री ए एक्स क्यूब हूँ ये भी थ्री ए एक्स क्यूब हूँ तो थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्यूब के आंसर जीरो आसो तो जीरो हमारे यार राइट आंसर ऑप्शन ए ठीक। तो युवाक भलसे देखिए तो नंबर गुड़ाक एपट सेपट हेल्ले टिके भूल हो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्टी एट नंबर फिफ्टी एट नंबर कौन दिखाई एफ ऑफ एक्स आमको दिखाई एक्स रो पावर 199 98 ए प्रकार आमको वन पर्यंत जाए तो आमको कहला कि एफ डे वन वैल्यूटा के मैंने फंक्शन डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू वन के पचार तो आम बाहर करवा प्रथम एफ डे एक्स तो एफ डे एक्स टा के आसो से कहते कि आपड़ इंटु एक्स रो पावर 99 तापर यार डेरिवेटिव करवा तो यहाँ आसो 99 एक्स रो पावर 98 तापर यहाँ आसो 98 एक्स रो पावर 97 तो यही प्रकार कंटिन्यूअसली जीव एक्स रो डेरिवेटिव के आसो वन आसो वन रो डेरिवेटिव के आसो जीरो आसो जब आम एक्स जगह वन रखिदा तो यहाँ कौन हो एफ डैश वन हो तो यहाँ मिले आमको 100 इंटु वन रो पावर 99 तो सहीटा तो वन ही आसो ताको लिखा किसी दरकार नहीं यहाँ आसो 99 तापर आसो 98 ये प्रकार कंटिन्यूअसली जीव के पर्यंत देखो वन पर्यंत तो आमको ताल वन रु नहीं कि 100 पर्यंत नंबर्स गुड़ाक एडिशन दरकार तो सही आपने जानते समस्ते कि सम ऑफ नेचुरल नंबर होन इंटु एन प्लस वन डिवाइडेड बै टू
तो कैसे हिज बताले कुवंतु 100 इनटू 101 डिवाइडेड बाय 2 या को सॉल्व करबे तो एटा हो 50। तो यार आंसर हिज बो 50 50। ठीक है जी, 50 50 होची यार राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन दिया छि 59 नंबर सेटा होची लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 log x minus 1 divided by x minus 2 यार वैल्यूटा से हमको पचारला जदि हमें कौन करबा एठी x जगह रे सपोज परंतु 2 रखि दबा तो x जगह रे 2 रखिले एटा केते हिजबो log 1 0 आसीबो एठी जदि रखि दबा तो 2 minus 2 केते हिजबो 0 हिजबो तो एटा भी आपण को 0 by 0 फॉर्मेट रे आसीला 0 by 0 फॉर्मेट रे आसीला माने आपण माने कोन करबे गुटे थरो तो भाबीबे कि एठी एल हॉस्पिटल लगेबा या फिर लगेबा नाही। ठीक अछि, तो आपण मानको भाबीबा पई पड़िबो जदि 0 by 0 फॉर्मेट आसीला तो गुटे थरो आपण माने अलगा मेथड को जिबा पूर्व एल हॉस्पिटल लगो अप्लाई करकी देखि नेबे। ठीक अछि, तो एठे ताले देखंतु लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 करबा तो एठी जदि हमें अप्लाई करबा एल हॉस्पिटल रूल एडा आसीबो आपणकर x minus 1 ठीक अच्छे 1 by x minus 1 और यार डेरिवेटिव तो 1 आसो तो 8 जगह बर्तमान अपन जब 2 रखीदे तो यार आंसर आसो 1 by 2 minus 1 दैट इक्वल्स टू 1। तो 1 हिज वो यार राइट आंसर दैट इज ऑप्शन बी। ठीक अच्छे, ऑप्शन बी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ओके, तापर देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी 60 नंबर क्वेश्चन कहला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन है ना, ये आपर टाइपिंग मिस्टेक टी थी ये 4 हम ये 5 हेनी। ठीक अच्छे, तो सेटा को मुझे इरेज करके 4 लिखिदेली। तो वर्तमान देखो या सल्व करवा सल्व जब करवा तो यार मैक्सिमम वैल्यू के यहाँ भी गोटे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टा माइनस 4x² प्लस 4x प्लस 5 यहाँ आमको दिखाई यार मैक्सिमम वैल्यू के माइनस बी अपॉन 4 ए आस मैक्सिमम वैल्यू बोले कमी जानवे से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए। तो देखो नेगेटिव अच्छी नेगेटिव अच्छी मैंने आपंकर मैक्सिमम वैल्यू आपंकर दब। ठीक अच्छे, तो यहाँ को देखिए आपने जापर जदि दिखाई नथ तो आपने जापर आठ जेहतु दे दी तो आपको किसी प्रोब्लेम हबार नहीं। तो डी रैल्यूटा फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर करूँ डीटा के आसा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी तो यहाँ आसो 16 माइनस 4 इंटु माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो तो 4 इंटु 5 तो यार वैल्यूटा के आसो देखो 16 प्लस 80 दैट इक्वल्स टू 96। तो यहाँ आम लिखा तो माइनस 96 अपन 4 ए तो 4 इंटु ए रैल्यूटा हो माइनस 4 तो माइनस माइनस कटिगला 16 जब ये काटा तो कैसे आसो ये देखो 6 आस 16 6 या 96 तो मैक्सिमम वैल्यू के एक्सप्रेशन रो 6 हो राइट आंसर ऑप्शन बी। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द सिक्वेन्स। ये जो सिक्वेन्स अच्छे सिक्वेन्स हमको दिखाई एस एन इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय एन रो होल पावर एन यार लिमिटिंग वैल्यूटा पचार। तो सिक्वेन्स रो लिमिटिंग वैल्यूटा सब बड़े ना इनफिनिटी रे फाइंड आउट करा जाए तो लिमिट एन टेम्स टू इनफिनिटी इट इज 1 प्लस 1 बाय एन होल पावर एन। तो यहाँ जब सल्व करेंगे 1 रो पावर इनफिनिटी फॉर्म रे आसो 1 रो पावर इनफिनिटी फॉर्म रे आसे यहाँ को कमी सल्व करा जाए देखो ई रो पावर लिखिए। ठीक अच्छे, तापर यहाँ कौन आसो देखो लिमिट एन टेम्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 इंटु एन दैट मीन यहाँ कौ फॉर्मेट रे देखो जिते बड़े भी आपको एमती दिखाई थोड़ा लिमिट एन टेम्स टू इनफिनिटी 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल पावर आपको दिखाई थोड़ा 1 बाय जी ऑफ एक्स जदि एमती दिखाई थोड़ा तो आपने कौन लिखिपारे यहाँ यहाँ जब आप वन पावर इनफिनिटी फॉर्म रे आसो यहाँ केवल वन पावर इनफिनिटी फॉर्म पर। ठीक अच्छे, तो यहाँ को आपने लिखिए लिमिट एन टेम्स टू एन एन टेम्स टू इनफिनिटी यहाँ जो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटु 1 बाय जी ऑफ एक्स। तो यहाँ मुझ क्लास ना बहुत थर कर बहुत थर ये टाइप रोश्चिन् बहुत थर कर तो 1 कटिज तो यहाँ हो आपको ई रवर लिमिट एन टेम्स टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। ठीक अच्छे, एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स तापर या सल्व करेंगे तो ये भी सही भाया हम 1 कटिज तो यहाँ आसो आपर ई रवर लिमिट एन टेम्स टू इनफिनिटी एन बाय एन आसो। ठीक अच्छे, तो एन एन कटिज तो आंसर के आसो तो ई रवर 1 आई रवर 1 हूँ केवल ई तो यार लिमिटिंग वैल्यूटा के आसो तो लिमिटिंग वैल्यू हो ई। तो युवाक किसी आपर कैलकुलस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास आम कौन करवा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक रो ना आपने जब देखिए तो मिनिमम तो 5टा क्वेश्चन तो आपर फिक्स। ठीक अच्छे, 5टा क्वेश्चन फिक्स अच्छे तो क्वाड्रेटिक भी आम देखा भलसे। तो आशा करूँ कि आज क्लास रे जो आम क्वेश्चन गुड़ाक कले से भल लगी एंड आपको बुझी आसो जदि कौन भी जगह डाउट अच्छी या फिर प्रॉब्लम अच्छी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जनई पारे।
तो ଜଣଙ୍କର क्वेश्चन थी कि गोटे 29 नंबर क्वेश्चन टा, तो 29 नंबर क्वेश्चन टा मुझे आपको बतई दूसरी आउ थे 29 नंबर टा मुझे फिर से कहीदे क्वेश्चन टा बहुत भल क्वेश्चन टा बुझापी चेस्टा करूँ। ठीक अच्छे आ शुणु 100% नुह 200% क्लीयर बोली शुणे जो क्वेश्चन टा बुझी आस अन्यमनस्क हो अलग किसी जिन भावुवे तो आपँ बुझी आसवि। ठीक अच्छे मुझे कौन कहूँ वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट शुणापी पड़ो। से कहला कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स विद यूनिट डिजिट 7 एंड आर डिविजिबल बाय 11। तो कतोटी आम पाखे तीन अंक विशिष्ट संख्या अच्छी जहाँ कि एक को घरे सात थी और सेटा 11 द्वारा कौन होता दरकार विभाज्य होता दरकार। तो आमको ताहले कौन करार अच्छे संख्या बनैबार अच्छे। तो देखो थ्री डिजिट रो नंबर जब बनैबार अच्छे से तीन टा अंक आसो ना तीन टा अंक से भितर एक को घर अंकटा तो फिक्स अच्छे 7। बाकी जो आपंकर दुईटा घर अच्छे से दुईटा घर में कौन कौन नंबर आसपार कहतु डिजिट गुड़ाक आसपार डिजिट मैंने कौन ना जीरो रू नहीं कि 9 पर्यंत आसपार किंतु ये जो प्रथम घर अच्छे प्रथम घरे के जीरो रही पार कि जीरो रही पार नहीं। मुझे जदि कहली कि 0, 9, 7 हूँ गोटे संख्या तो यहाँ कौन तीन अंक विशिष्ट संख्या कि ना नुह ना। तो बेसिकली ताहले ये जो घर अच्छे ये घर सपोज करूँ आम कहले कि गोटे डिजिट हूँ एक्स आउ ये घर अच्छे ये गोटे डिजिट हूँ वाई। ठीक अच्छे दुईटा डिजिट हो गला तो आप थ्री डिजिट नंबर मिलगला। तो ये एक्सटा अच्छी एक्सटा जीरो हो पार नहीं एक्सटा वन रू नहीं कि 9 पर्यंत जेकोसी अंक हो पार किंतु जीरो हो पार ना। आउ वाईटा कौन हो पार वाईटा जीरो रू नहीं कि 9 पर्यंत जेकोसी संख्या हो पार कहीं मझीटा तो जीरो लिखीदे किसी फरक पड़े ना जब आम लिखले कि सपोज 207 तो यहाँ भी गोटे संख्या हो पार। तो आमको ताहले देखिबार अच्छे कि एबे कतोटी एमती संख्या हो पार जोटा कि 11 द्वारा डिविजिबल हो। ठीक अच्छे तो 11 रो डिविजिबिलिटी कौन कहे 11 रो डिविजिबिलिटी कहे कि आपंकर अजुग्म स्थान संख्या मानकर समष्टि माइनस जुग्म स्थान अंक मानकर समष्टि जदि वियोग फलटा या फिर डिफरेन्सटा जदि कौन हो जीरो हो या फिर 11 रो मल्टीपल हो तो संख्याटा 11 द्वारा डिविजिबल हम। तो ये तेल आम अजुग्म स्थान में किए किए अच्छी 7 अच्छी आउ एक्स अच्छी तो 7 + x - y यहाँ जब 0 आसला तो भी संख्याटा 11 रे डिविजिबल हम। जदि 11 आसला तो भी डिविजिबल हम जदि 22 आसला तो भी डिविजिबल हम ता मैंने 0 आसवा दरकार या फिर 11 या फिर 11 रो कौन से भी मल्टीपल। ठीक तो संख्याटे डिविजिबल हम। तो फर्स्ट केस आम देखा 0 पाई 0 पाई कतोटी पॉसिबल केस बनुची तो 7 + x - y इक्वल्स टू 0। काउंट करार तरीका बहुत सारा अच्छे तो यहाँ मोर मेथडटा। ठीक अच्छे आपने अलग किसी भी मेथड यूज करके देखिपारे 1, 2, 3, 4 पकई पकई देखिए से बहुत टाइम लगे बट मुझे कि आपत करूँ 7 + x = y लिखु लिखिले वाईटा को एपट सैड को नहीं गले तो यहाँ गला 7 + x = y। तो यहाँ जो आपने पाइले ना 7 + x = y तो ये आपने देखते वाईटा भी हूँ गोटे अंक एक्सटा भी हूँ गोटे अंक अंक मैंने कौन अंक मैंने सेटा 0 रू नहीं कि 9 पर्यंत हो पार ताठू तो अधिका हो पारे ना 10, 11, 12 तो आम वाई जगह रखिपर ना गोटे अंक मैंने सेटा 0 रू नहीं कि 9 भितर किसी भी हो पार। तो मुझे कहूँ कि एक्स रैल्यूटा आम कौन रखिदा कि वाईटा गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्या हो तो आम कह कि एक्स रैल्यूटा जब आम 3 रखिदा तो वाईटा गोटे कौन हो संख्या बनीज 10 हो कि वाई जगह के 10 रखी हेनी। ठीक अच्छे कहीं गोटे अंकटा तो सहीपाई ये आम कौन कर एक्स रैल्यूटा को देखो एक्स रैल्यूटा तो प्रथम तो 0 हो पार ना तो 1 रू स्टार्टिंग होता तो 1, 2 ग्रेटर जाऊला किंतु एठू आम पाई कि एक्स रैल्यूटा 3 भी हो पार नहीं कहीं 3 हो गले वाईटा कौन हो वाईटा तो नंबर हो। ठीक अच्छे 10 हो तो सहीपाई एक्स रुईटा भैल्यू पसबल हो पारा गोटे हूँ 1 आ गोटे हूँ 2 तो दुईटा भैल्यू पर दुईटा नंबर बनी पार दुईटा भैल्यू पर कितना नंबर बनब दुईटा ही नंबर बनब ना। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखो आम कौन कर 0 रो केस हो गलापर आसतु वाई रो केस देखा मैंने 11 रो केस देखा तो सहीटा होती 7 + x - y = 11 या को जब सॉल्व करा जीवो तो कितने आसो देखो x - y = 4 तो या को सॉल्व कले आम पाई कि एक्स इक्वल्स टू हूँ वाई प्लस 4 एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो यही आपने भलसे देखु कि वाई रो वैल्यूटा आम कौन रखीदे जोद्वर कि एक्सटा गोटे कौन हो संख्या हो आम कह कि वाई रो वैल्यूटा को जब मुझे 6 रखीदेवि तो एक्सटा कौन हो 10 हो तो एक्सटा भी आपंकर कौन हो पार देखु संख्या हो पार नहीं केवे भी अंक हम ना 0 रू नहीं कि 9 भितर आमको जहाँ भी गोटे लिखापी पड़ो। तो वाई रो वैल्यूटा आम कौन कर 6 नहीं पारानी
ଆଉ ୱାଇ ର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେଉଁଠୁ ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ, ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ତ ଜିରୋରୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଫାଇଭ�ињ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କକୁ ରଖିପାରିବା। ତ ଜିରୋରୁ ଫାଇଭ ଭିତରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ମାନେ ଅଙ୍କ କେତୋଟି ଅଛି, ଛଅଟା। ଜିରୋ, ୱାନ୍, ଟୁ, ଥ୍ରୀ, ଫୋର୍, ଫାଇଭ। ତ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଚଏସ୍ ଆସିଲା, ୱାଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ଚଏସ୍ ଆସିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଆଠଟା ନମ୍ବର ମିଳିପାରିବ। ଆଠଟା ନମ୍ବର କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିପାରିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ରଖିଦେବେ। ତ ୱାନ୍ ଯଦି ରଖିବେ ଏକ୍ସଟା, ତ ୱାଇ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ୱାନ୍, ଏଇଟ୍, ସେଭେନ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଟୁ ରଖିଦେବା, ତ ୱାଇ କେତେ ହେଇଯିବ, ନାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଟୁ, ନାଇନ୍, ସେଭେନ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବର। ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ତ ଆମେ ଏକ୍ସ ପାଇଁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ୱାଇ ପାଇଁ ଦେଖିବା ସେଇଭଳିଆ, ଯଦି ଆମେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ଜିରୋ ରଖିବା, ଏକ୍ସ କେତେ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ, ଫୋର୍ ଆସିବ। ତ ଫୋର୍, ଜିରୋ, ସେଭେନ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସିବ। ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ୱାନ୍ ରଖିବେ ଏଇଠି, ତ ୱାନ୍ ରଖିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କୁହନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ରଖିଲେ ଫାଇଭ୍ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ତ ଫାଇଭ୍, ଜିରୋ, ସେଭେନ୍, ସରି, ଫାଇଭ୍, ୱାନ୍, ସେଭେନ୍ ଆସିବ। ଟୁ ରଖିବେ, ତ ଟୁ ରଖିଲେ ଏଇଟା ସିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ସିକ୍ସ, ଟୁ, ସେଭେନ୍ ଆସିବ। ଥ୍ରୀ ରଖିବେ, ଥ୍ରୀ ରଖିବେ, ତ ଏଇଟା ବନିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୀ, ସରି, ୱାଇଟା ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଭେନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଭେନ୍, ଥ୍ରୀ, ସେଭେନ୍। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫୋର୍ ରଖିଦେବା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟ୍, ଫୋର୍, ସେଭେନ୍ ହେଇଯିବ। ଫାଇଭ୍ ରଖିଦେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇନ୍, ଫାଇଭ୍, ସେଭେନ୍। ବାସ୍ ଏତିକିଟା ନମ୍ବର ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଆଉ ଏଇ ଛଅଟା ନମ୍ବର, ତ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଠଟା ନମ୍ବର। ତ ଅପସନ୍ ସିଟା ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 29 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।